वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ VLCC की गोल्ड की फेशियल किट का रिव्यू किया था, बताया था इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और थोड़े से स्टेप्स आपको बताए थे। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकली वो करके फेस पे दिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो ये सबसे पहला स्टेप है क्लेंज़र का। तो हमें अपने फेस को अच्छे से क्लेंस करना होता है। क्लेंजिंग का स्टेप आप 4 से 5 मिनट तक करें फेस पे। पहले अच्छे से इस तरह से डॉट डॉट करके लगाएं प्रोडक्ट को और फिर अच्छे से मसाज करें। इस तरह से राउंड राउंड करें और जैसे ज़ीरो बनता है ना, उस तरह से हम मसाज करेंगे हर जगह फेस पे, और गर्दन पे भी हमें करनी है जितनी एक्सपोज्ड है। इससे क्या होता है, हमारा फेस अच्छे से क्लीन हो जाता है। मैंने बीच में वाटर का टच भी लिया है। आप चाहें तो रोज़ वाटर का टच ले सकते हैं या वाटर का टच ले सकते हैं। और अच्छे से मैं ये स्टेप्स करूँगी। मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड किया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। क्लेंजर से हमारा फेस बिल्कुल क्लीन हो जाता है, अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है क्लेंजर हमारे फेस पे, और एक क्लैरिटी आ जाती है। उसके ऊपर हम बाकी के स्टेप्स इजीली कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से मैं ये क्लेंजर जो है ये कर रही हूँ, और इसको जब ये अच्छे से हो जाए तो उसके बाद आपको एक मॉइस्ट टॉवल लेके इसको क्लीन करना है। पानी से नहीं सारा साफ़ करना है, आपको एक गीला टॉवल लेके क्लीन करना है। जो भी एक्सेस क्लेंजर है सब रिमूव हो जाता है। तो ये इस तरह से आईज़ के आसपास भी ध्यान से करेंगे और ईयर्स के आसपास भी हमें करना है। तो इस तरह से मैंने ये गीला टॉवल लिया है और इससे अच्छे से क्लीन करूँगी। आप देख सकते हैं कितना क्लीन और क्लियर हो गया मेरा फेस क्लेंजर से ही। तो इस तरह से हमें ये स्टेप करना है। क्लेंजर के बाद नेक्स्ट स्टेप है ये स्क्रब का। तो गोल्ड का स्क्रब है ये, और ये बहुत माइल्ड है। वैसे इसके पार्टिकल्स बहुत फाइन हैं। तो ये देखिए इतना सा मैं ले रही हूँ। वैसे मैंने जैसे कि आपको बताया 2 बार आप कर सकते हैं फेशियल एक ट्यूब से, बट इसमें मैं एक बार में जैसे कि बताया आधा ले रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके हम प्रोडक्ट लेंगे। इसके अंदर वाटर का टच या रोज़ वाटर का टच ज़रूर देंगे स्क्रबिंग करते वक्त, और अच्छे से फिर हम स्क्रब करेंगे सॉफ्टली जेंटली फेस पे नेक पे सब जगह करेंगे। ध्यान रहे ज़ोर ज़ोर के नहीं करना है, सॉफ्टली जेंटली करना है ताकि हमारे स्किन को बिल्कुल भी नुकसान ना हो। और 2 से 3 मिनट तक इनफ है स्क्रब करना। और जब हम स्क्रब कर लेंगे तो उसके बाद हम क्लीन वाटर से फेस वॉश करेंगे। इस तरह से जॉ लाइन पे भी अच्छे से स्क्रबिंग करेंगे। आंखों से आप बचा के रखें, आंखों में ना पार्टिकल्स चले जाएं। और ये टेम्पल के एरिया पे इस तरह की मूवमेंट हम करेंगे जब स्क्रब करेंगे। ये हम क्रीम मसाज में, जेल मसाज में, हर मसाज में हम ये स्टेप ज़रूर करते हैं। इस तरह से 8 बनाएंगे और आँखों के आसपास ध्यान से करेंगे जैसे कि मैंने बताया, ताकि आँखों को कोई नुकसान ना हो। और उसके बाद फिर हम वॉश कर लेंगे। काफ़ी माइल्ड स्क्रब था ये, फेस को अच्छे से आप वॉश कर लें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ये जेल मसाज। तो इसमें लिखा हुआ है कि इसके अंदर 24 कैरेट्स गोल्ड के एक्सट्रैक्ट हैं, तो काफ़ी अच्छा है स्किन के लिए। तो इसे सेम वे अच्छे से पहले लगाएंगे प्रोडक्ट को, उसको स्प्रेड करेंगे, फिर उसको अच्छे से मसाज करेंगे गर्दन पे, फेस पे, आईज़ के आसपास ध्यान से सब जगह करेंगे सॉफ्टली जेंटली। और इसको वाटर का टच ज़रूर लेंगे जब हम ये मसाज जेल की करेंगे, ताकि अच्छे से जेल एब्जॉर्ब हो जाए। और यहाँ पे ये 8 मोमेंट ऑफ 8 करेंगे ये टेम्पल्स पे। तो जब जेल अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा, हमें 15 से 20 मिनट लग जाते हैं जेल मसाज में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है क्रीम मसाज। तो ये गोल्ड क्रीम है ये, और ये धीरे धीरे ये भी हम लगाएंगे और आधी ट्यूब कंज्यूम करेंगे। पहले अच्छे से लगा के सेम वे हम मसाज करेंगे। ये स्टेप्स काफ़ी डिटेल में किए जाते हैं जब भी हम क्रीम मसाज करते हैं फेशियल में। इसका मैं जैसे कि आपको पता है एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगी। अगर आपको नहीं पता, आप इस तरह से कर लें राउंड राउंड, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से आईज़ के आसपास, ईयर के आसपास, जॉ लाइन पे, ये सब मसाज आप कर लें। एक डिटेल वीडियो में आपको सब एक्सप्लेन मैं अच्छे से करूँगी। और फ्रेंड्स, जो भी ये स्टेप्स हैं अपवर्ड्स और आउटवर्ड्स, यानी कि बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ ही होते हैं, ताकि स्किन टाइट हो और स्ट्रेच्ड और टाइट हो। अगर नीचे की तरफ करेंगे तो स्किन तो हमारा ढीला हो जाएगा। तो इस करके हमें अपवर्ड और आउटवर्ड स्ट्रोक्स ही करनी पड़ती हैं। चीक्स पे भी अच्छे से करेंगे, गर्दन पे, ईयर के आसपास सब जगह अच्छे से मसाज करेंगे, ताकि हमारा स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज हो, टाइट हो, लिफ्टेड स्किन लगे और एक अच्छा सा ग्लो आए। और उसके बाद फ्रेंड्स, हम प्रेशर पॉइंट्स भी एक्टिवेट करते हैं क्रीम मसाज में। तो ये आईब्रोज़ के ऊपर हैं, ये टेम्पल्स पे, ये नोज़ के इस तरह से साइड में, ये सब प्रेशर पॉइंट्स हैं, इनको एक्टिवेट करेंगे।
यानी कि उनको प्रेस करेंगे तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है ये पील ऑफ मास्क, तो ये ऊपर की तरफ हमें लगाना होता है। काफ़ी अच्छा मुझे ये मास्क लगा, तो इस तरह से ना ध्यान से लगाना है। हेयर जहाँ है उन एरियाज़ पे नहीं लगाना, जैसे कि आईब्रोज़ के ऊपर नहीं लगाना, जहाँ फाइन हेयर है आपके फेस पे उन एरियाज़ पे आपको नहीं लगाना है, तो बाकी जगह फेस पे आप अच्छे से लगाएं। और बहुत अच्छा फ्रेंड मुझे ये मास्क लगा, सच बताऊँ पहली बार मैंने भी लगाया था ये। तो इस तरह से लगा के इसको सूखने देंगे, 12 से 15 मिनट में सूख जाता है। और उसके बाद जब ये थोड़ा टाइट हो जाए उसके बाद हम इसे ऊपर की तरफ इस तरह से रिमूव करेंगे। ध्यान से करना है, स्किन को नहीं खींचना है, मास्क को ही निकालना है ध्यान से सॉफ्टली ऊपर की तरफ, बालों की ऑपोजिट डायरेक्शन में। और इससे जो भी फाइन हेयर है सब अच्छे से रिमूव हो जाते हैं, ब्लैक हेड व्हाइट हेड भी मेरे तो कितने इससे रिमूव हो गए। तो काफ़ी अच्छा मास्क लगा, स्किन भी बहुत सॉफ्ट सपल सी हो गई इससे। इस मास्क को आपको आई से बचा के रखना है। जब मैंने थोड़ा लगाया था पहली बार तो मुझे थोड़ी सी इरिटेशन हुई थी, बट धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो गया था। तो इस तरह से है ये, आप देख सकते हैं इस तरह से इसको ऊपर की तरफ मैं रिमूव कर रही हूँ और स्किन इतना सॉफ्ट हो रहा है जैसे जैसे ये पील ऑफ हो रहा है। ध्यान से करना है फ्रेंड्स ये स्टेप आपको, चाहे टाइम लगे कोई बात नहीं, बट आपको ध्यान से करना है, स्किन को बचाकर ज़रा भी नुकसान ना हो। ये सबसे क्रूशल स्टेप है इस फेशियल में, जिन लोगों को फेशियल नहीं आता उन लोगों के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सारा मैंने ये रिमूव कर लिया है। और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत रह जाता है उसको एक मॉइस्ट एक गीले टॉवल से हम साफ़ कर लेंगे। फेस को मत धोएं आप, इसके जो बेनिफिट्स हैं इसके अंदर गोल्ड के जो एक्सट्रैक्ट्स के वो रहने दें फेस पे ही। तो इस तरह से गीले से टॉवल या टिश्यू से आप साफ़ कर लें और आप देख सकते हैं आपका फेस काफ़ी सॉफ्ट सपल सा फील हो रहा है इसके बाद। और उसके बाद लास्ट स्टेप है ये, हमें मॉइस्चराइज़र लगाना है। तो इस तरह से है ये मॉइस्चराइज़र, ये मैं जैसे क्रीम मसाज करते हैं सेम वे इसकी भी हम मसाज कर लेंगे। 10 से 12 मिनट तक हम करेंगे ये मसाज ताकि अच्छे से अब हमारा फेस मॉइस्चराइज हो जाए, हाइड्रेट हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और एक प्रोटेक्टिव लेयर हमारे फेस पे बन जाए। तो इस तरह से ये मैं मॉइस्चराइज करूँगी अपने फेस को। मॉइस्चराइज़र से काफ़ी फ़ायदा होता है फेशियल में कि आपका जो सारे जो फेशियल के जो बेनिफिट्स हैं इंटैक्ट रहते हैं स्किन में, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। और ये बहुत ज़रूरी स्टेप है जब भी हम फेशियल करते हैं, एंड में मॉइस्चराइज़र ज़रूर हमें लगाना चाहिए। जिस दिन हम फेशियल करते हैं उस दिन हमें बिल्कुल भी धूप में नहीं निकलना और फेस पे कुछ भी नहीं लगाना है। तो आप देख सकते हैं मेरा फेशियल कंप्लीट है और ये मेरे फेस पे ग्लो आया है, बट उतना नहीं आया जितना कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। एक गोल्ड फेशियल से मैंने एक बार शहनाज का भी गोल्ड का फेशियल किया था, उससे काफ़ी ग्लो आ गया था मेरे फेस पे और फेस काफ़ी फर्म हो गया था। तो इससे ऐसे कुछ नहीं हुआ है खास ज़्यादा। और इसके केमिकल्स भी बहुत मेरे सिर को चढ़े जब जैसे जैसे मैंने फेशियल किया, बहुत स्ट्रॉन्ग थे। तो अगर आपको भी वही है प्रॉब्लम तो आप बेशक इसको ना करें। और मैं इसको अब इन फ्यूचर कभी नहीं खरीदूंगी, मैंने सोच लिया है, इसको 3 स्टार्स ही दूंगी 5 में से। तो ये था इस फेशियल का सारा जो स्टेप बाय स्टेप यूज़ करने का सही तरीका, और लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए ही है ये। तो ये था इस फेशियल का सही जो मेरे को लगा रिव्यू और रेटिंग। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।